आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डनिंग एंड मी पे। आज मैं आपको निमेसिया फ्लावर के बारे में बताऊंगी कि इसका प्लांट कब ग्रो करना चाहिए, इसके लिए कैसे मिट्टी लेनी चाहिए, कौन से सीज़न में इसे ग्रो करें, निमेसिया कितने रंगों में आता है, इस जानकारी को मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। ये फूल विभिन्न रंगों में पाया जाता है, जैसे गुलाबी, बैंगनी, लाल, पीले और सफ़ेद। मेरे पास इसकी पीली वैरायटी है। निमेसिया एक ऐसा फूल है जो बहुत ही लो मेंटेनेंस है, इसे ज़्यादा रखरखाव की ज़रूरत नहीं पड़ती और जो इसके फूल है वो बंच में आते हैं। तो आप ये देखिए मेरा प्लांट कितना सुंदर है, इसमें जितने फ्लावर्स हैं सारे बंच में खिलते हैं। इसके फ्लावर देखने में बहुत ही मनमोहक होते हैं और बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगते हैं। निमेसिया के प्लांट को वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है और इसे मॉइस्ट, हर वक्त इसकी जो मिट्टी है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए, क्योंकि ये पानी को बहुत पसंद करते हैं। अगर आप इस प्लांट को ज़्यादा घना बनाना चाहते हैं तो इसके नियमित रूप पे पिंचिंग करते रहें, उससे आपके प्लांट की न्यू ग्रोथ होगी और आपका प्लांट घना बनेगा। निमेसिया प्लांट को आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ से कम 6 से 7 घंटे की धूप ज़रूर आती हो, और जब गर्मियाँ शुरू हो जाएँ तो आप इसे ऐसे किसी पेड़ की छाया के नीचे रखें, क्योंकि उस समय हीट अधिक होती है तो इनकी पत्तियाँ और प्लांट ख़राब होने का भय रहता है। आप निमेसिया को कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो फर्टिलाइज़र में इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, घर के बने फर्टिलाइज़र हैं, आप वो इन्हें कभी कभी दे सकते हैं।